Hello students, in today's lecture we will discuss about the human digestive system. तो इसके पहले वाला जो लेक्चर था उसमें हमने न्यूट्रिशन के ऊपर डिस्कस किया था, हमने डिफरेंट डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस किया था, हमने देखा था कि ऑटोट्रॉपिक क्या होते हैं, हेटरोट्रॉपिक क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक में कौन कौन से दो टाइप होते हैं वो हमने डिस्कस किए थे, कीमो ऑटोट्रॉपिक ऑटोट्रॉप्स एंड फोटो ऑटोट्रॉप्स, ये हमने डिस्कस किया था। उसी तरह से हेटरोट्रॉप्स के कितने चार टाइप होते हैं वो हमने डिस्कस किए थे। तो हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो मोड ऑफ न्यूट्रिशंस को डिस्कस कर लिया था। तो आज के इस लेक्चर में हम बेसिक जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है उसे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम देखते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशंस को। नाउ वी डिस्कस अबाउट स्टेप्स इन होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन मींस एनिमल लाइक न्यूट्रिशन। जो एनिमल लाइक न्यूट्रिशन होता है उसे हम होलोजोइक न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में कौन कौन सी स्टेप्स आती हैं उसे हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो स्टेप्स इन होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग डिस्कस करें तो सपोज दैट, अब ये एनिमल का मान लो, सपोज दैट ये कोई एनिमल है और ये हमारे एनिमल का एलिमेंट है कैनाल। ये हमारे एनिमल का क्या है, सपोज दैट ये हमारे एनिमल का एलिमेंट है कैनाल है और ये वाला पोर्शन माउथ और ये वाला पोर्शन क्या है, एंस। तो हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन सी स्टेप होंगी होलोजोइक न्यूट्रिशन में। तो सबसे पहले एनिमल क्या करेगा, फूड मटेरियल को खाएगा, इंटेक करेगा, तभी तो डाइजेशन की प्रोसेस कंडक्ट होगी ना, बिना खाए डाइजेशन तो हो नहीं सकता। तो फर्स्ट जो प्रोसेस होती है होलोजोइक न्यूट्रिशन में वो होती है हमारा इंजेक्शन। तो फर्स्ट प्रोसेस इज दैट इंजेक्शन। अब इंटेक ऑफ फूड मटेरियल, हम किसी भी खाने को खाएंगे तो वो प्रोसेस कौन सी हो जाएगी, इंजेक्शन। इंजेक्शन के बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगी, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन की जो नेक्स्ट प्रोसेस होती है दैट इज डाइजेशन। पहले इंजेक्शन हुआ, हमने खाने को खाया, खाने को खाने के बाद में डाइजेशन हुआ। डाइजेशन के बाद क्या होगा कि जो मटेरियल हमारा डाइजेस्ट हो गया है, पच गया है, उसको एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्ब होने के बाद जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो बाहर निकाल दिया जाएगा। तो नेक्स्ट प्रोसेस इज दैट एब्जॉर्प्शन और उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है उसका क्या कर दिया जाएगा, उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो यू मस्ट रिमेंबर कि जो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है ना उसमें फोर स्टेप होती हैं। तो फोर स्टेप ऑकर इन द नॉर्मली होलोजोइक न्यूट्रिशन, दीज आर द इंजेक्शन ऑफ फूड मटेरियल। इंजेक्शन ऑफ फूड मटेरियल मीन्स इंटेक ऑफ द फूड मटेरियल। सेकंड इज द डाइजेशन। डाइजेशन मीन्स इफ हमने जो फूड मटेरियल लिया है उसमें कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है तो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल डिवाइडेड इन टू द स्मॉल फूड मटेरियल ताकि उसका एब्जॉर्प्शन बॉडी कर सके। अब जो भी डाइजेस्ट है, जो हमारे बॉडी के मतलब का है,
बॉडी क्या करेगी, उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, और जो अनवांटेड मटेरियल है बॉडी का कोई लेना देना नहीं, उसको बाहर निकालना ही निकालना है, तो उस मटेरियल को क्या किया जाएगा, बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो इस तरह से होलोजेनिक न्यूट्रिशन में 4 स्टेप होते हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड इजेशन। इट बिकम क्लियर। अब हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन का जो डाइजेशन है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, वो कैसा होता है, ठीक है। नाउ वी डिस्कस अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। तो ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम को लेकर डिस्कस करें तो हमें ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम में 2 पार्ट दिखाई देते हैं। कौन कौन से 2 पार्ट दिखते इसमें, हमें इसमें दिखाई देता है नंबर 1 एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा आता है इसमें एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, जरा देखो, एक एलिमेंट्री कैनाल है जिसमें कि 2 ओपनिंग है, एक से फूड मटेरियल का इंटेक होगा और दूसरे से फूड मटेरियल को बाहर निकाला जाएगा। तो ये हो गया एलिमेंट्री कैनाल और इससे एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स, जैसे मान लो ये इससे एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स हैं, ये अपना सेक्रीशन इस एलिमेंट्री कैनाल में डाल रहे हैं ताकि डाइजेशन ऑफ फूड प्रॉपरली हो जाए। तो इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री, इनको बोलेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल और उससे एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, इनसे मिलकर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम तैयार होता है, ठीक है। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में 2 पार्ट आते हैं, नंबर 1 एलिमेंट्री कैनाल और नंबर 2 डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब हम बात करें एलिमेंट्री कैनाल के रिगार्डिंग, तो एलिमेंट्री कैनाल में क्या कौन से स्ट्रक्चर्स आएंगे, देखो एलिमेंट्री कैनाल को डिस्कस करते हैं तो एलिमेंट्री कैनाल में आएगा सबसे पहले माउथ। माउथ से फूड मटेरियल कहां जाता है, फैरिंग्स में जाएगा। फिर माउथ से फूड कहां जाना है, माउथ से फूड फैरिंग्स के अंदर जाना है। फायरिंग से फिर जाएगा कहां पर, ईसोफेगस। मैं इसको रिडाइट कर देता हूं यहां से, माउथ, बकल कैविटी, उसके बाद फैरिंग्स, उसके बाद ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद स्टमक, स्टमक के बाद आएगा क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं, उससे भी कोई मतलब नहीं हमको, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर जो है कहा जाएगा रेक्टम, रेक्टम के बाद एस। तो ये जो है पूरा एलिमेंट्री कैनाल है, तो पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल क्या है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से। तो पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल कैसा है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से, जिसमें 2 ओपनिंग है, एक को माउथ बोला और एक को एनस बोला,
और इस एलिमेंटिक कैनाल के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट को, जिनके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है, उसको हम डिफरेंट डिफरेंट नाम से जानते हैं। तो पूरा माउथ से लेकर ये एनस तक जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा एलिमेंटिक कैनाल। तो एलिमेंटिक कैनाल तो क्या होता है, समझ में आ गया, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या दिखाई देगा, इस एलिमेंटिक कैनाल से जुड़े हुए कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। इस एलिमेंटिक कैनाल से अटैच कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, और ये स्ट्रक्चर्स क्या कर रहे हैं, इन स्ट्रक्चर्स के जो सिक्रीशंस हैं वो डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इन्हें हम क्या बोलेंगे, डाइजेस्टिव ग्लैंड के नाम से जानते हैं। तो इन स्ट्रक्चर्स को हम बोलेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो एलिमेंटिक कैनाल हमने डिस्कस कर लिया, माउथ से लेकर एनस तक हमने पूरा डिस्कस कर लिया, माउथ, बकल कैविटी, फारेंक्स, इसोफेगस, उसके बाद स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर उसके बाद रेक्टम, रेक्टम के बाद एनस, ठीक है। तो ये हमारा एलिमेंटिक कैनाल है। अब इसके बाद हम बात करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे बॉडी में एलिमेंटरी कैनाल से एसोसिएटेड कुछ ग्लैंड्स होती हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करती हैं। तो इन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में आएंगी जनरली सलाइवरी ग्लैंड्स, दूसरा इसमें आएगा हमारा लीवर। लीवर तो बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड है, इसका वजन ही 1.5 किलो होता है। उसके बाद पैंक्रियास। तो ये हमारे कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं और इनके जो सिक्रेशन होते हैं वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है ना। तो हमारा जो एलिमेंटिक कैनाल है वो बेसिकली दो स्ट्रक्चर से मिलकर बनता है। पहला, सॉरी, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो दो स्ट्रक्चर से मिलकर बनता है। वो दो स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं, नंबर 1 एलिमेंटरी कैनाल और नंबर 2 डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो ये दो स्ट्रक्चर मिलके हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, एलिमेंटरी कैनाल के बारे में बात करेंगे। और एलिमेंटरी कैनाल कहां से चालू हो रहा है, माउथ से चालू हो रहा है, और एलिमेंटरी कैनाल कहां खत्म हो रहा है, वो खत्म हो रहा है एनस पे। तो सबसे पहले हम एलिमेंटरी कैनाल को डिस्कस करते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम बात करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट दैट एलिमेंटरी कैनाल। तो एलिमेंटरी कैनाल, एलिमेंटरी कैनाल का जो सबसे पहला स्ट्रक्चर है वो है हमारा, तो एलिमेंटरी कैनाल, और एलिमेंटरी कैनाल का सबसे पहला स्ट्रक्चर आता है कौन सा, माउथ। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर इसका आता है माउथ। तो माउथ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो माउथ बेसिकली कंप्राइज द टू पार्ट, माउथ में दो पार्ट आते हैं। कौन कौन से दो पार्ट आते हैं, पहला आता है इसमें वेस्टिब्यूल, कुछ लोग इसको ओरल वेस्टिब्यूल के नाम से जानते हैं, और दूसरा इसमें आता है ओरल कैविटी। तो वेस्टिब्यूल क्या हो गया, इट इज अ पार्ट बिटवीन द लिप्स एंड टीथ। तो लिप्स और टीथ के बीच का जो पोर्शन है, ये हमारे जो चीक और टीथ के बीच का जो पोर्शन है, इसे हम क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल के नाम से जानते हैं। देखो ये हमारा माउथ जो होता है, दो ट्रांसवर्स लिप्स होते हैं और इन लिप्स के बीच में हमारा माउथ का ओपनिंग होता है। तो माउथ की ओपनिंग किसके बीच में है,
दो ट्रांसवर्स लिप्स के बीच में हमारे माउथ की ओपनिंग है, तो ये हमारे माउथ की ओपनिंग हो गई। तो हमारा माउथ एक ट्रांसवर्स सिलिट के माफिक ओपन होता है, इसके दोनों साइड से क्या है, अवर माउथ गार्डेड बाय द टू लिप्स। हमारा माउथ किससे कवर्ड है, दो लिप्स से कवर्ड है हमारा माउथ, ठीक है। तो ये हमारे माउथ की ओपनिंग है। अब माउथ की ओपनिंग होगी, अब माउथ के अंदर देखते हैं क्या है। माउथ के अंदर देखिए तो लिप्स और टीथ के बीच का पोर्शन, इसे अपन क्या बोलते हैं, ओरल वेस्टिब्यूल के नाम से जानते हैं। तो ये हमारे लिप्स और टीथ के बीच का जो पोर्शन हो गया, जो कैविटी हो गया, वो क्या हो गया, हमारा वेस्टिब्यूल। कई बार आपने पान खाने वाले लोगों को देखा होगा ना, गुटखा खाने वाले लोगों को देखा होगा, तो पान खाते हैं तो कैसे खाते हैं, वो ऐसे लेके ऐसे कहां रख लेंगे उसको, वेस्टिब्यूल के अंदर रख लेंगे ना, वहां पे रखा रहेगा वो गुटखा या पान, उसका जो एक्सट्रेट है वो जाता रहेगा बॉडी के अंदर, ऐसा देखा होगा आपने। तो वो कौन सा कैविटी हो गया, वेस्टिब्यूल। दूसरा कौन सा है, ओरल कैविटी। ओरल कैविटी इट इज ऑल्सो नोन एज बकल कैविटी। ये टीथ की चारों तरफ से, टीथ से जो कवर्ड हमारे टीथ क्या क्या है, एक एलओसी है, उसके अंदर जो कैविटी है, टीथ के अंदर जो कैविटी आती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ओरल कैविटी। ओरल कैविटी को हम बकल कैविटी के नाम से भी जानते हैं। इसे हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, बकल कैविटी के नाम से भी जानेंगे। अब इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर दिखते हैं वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो जरा देखो, ये हमारा ये ओरल कैविटी है, तो ये क्या हो गया, ऊपर ऊपर हो गया स्टूडेंट हमारा अपर लिप हो गया, नीचे क्या हो गया, ये हो गया हमारा लोअर लिप्स हो गया, ठीक। अब टीथ और लिप्स के बीच का जो कैविटी है, ये क्या हो गया, वेस्टिब्यूल हो गया। लिप्स और टीथ के बीच कैविटी क्या बोला हमने, वेस्टिब्यूल के नाम से जाना। अच्छा, ये हमारे क्या है, टीथ है। अब आप देखेंगे कि ये टीथ, अब हमारे ये ऊपर वाला जो पोर्शन है, ये इसको हम बोलेंगे, ये वाला जो पोर्शन है इसे हम बोलेंगे पैलेट। तो हमारे ओरल कैविटी का जो रूफ होता है, जो छत होती है हमारे ओरल कैविटी की, वो कौन बनाता है, वो बनाते हैं पैलेट। तो आगे की साइड में आपको जो है, यहां पर दांत के जस्ट पीछे की साइड में आपको कौन सा पैलेट दिखाई देगा, हार्ड पैलेट दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा आपको, यहां पर हार्ड पैलेट दिखाई देगा, और इसके पीछे की साइड में ये बोन का बना होता है। हार्ड पैलेट किसका बना होता है, दिस पैलेट मेड बाय बोन्स। और पीछे वाला जो पैलेट है, तो आप देखिए दांतों के जस्ट पीछे की साइड में, ऊपर की साइड देखिए, आपको कुछ रफ पोर्शन दिखाई देगा ना, वो हार्ड पैलेट है। टंग से पीछे की साइड में देखिए, टंग से पीछे की साइड देखेंगे तो आपको एक स्मूथ पोर्शन दिखता है, तो वो क्या हो गया, वो हो गया हमारा सॉफ्ट पैलेट। वो कौन सा पैलेट हो गया, हमारा सॉफ्ट पैलेट हो गया। तो आपको डायग्राम में दिख रहा है कि ऊपर की साइड में क्या है, हार्ड पैलेट है, पीछे की साइड में सॉफ्ट पैलेट है। अब इसके बाद देखिए, एक पेंडुलम जैसा आपको लटकता हुआ स्ट्रक्चर दिखाई देगा, और इस स्ट्रक्चर को हम जो है इसे अवला के नाम से जानते हैं। और ये स्ट्रक्चर क्या करता है कि फूड मटेरियल का जो डिल्यूटेशन होता है, सॉल्विंग ऑफ फूड मटेरियल होता है, हम खाने को जो अंदर निगलते हैं, उसमें ये स्ट्रक्चर क्या करता है, हेल्प करता है। तो जैसे आप, यदि आप मिरर के सामने से माउथ ओपन करके देखेंगे, तो आपको एक ऐसा पेंडुलम जैसा एक लटकता हुआ स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ये हमारा आंवला हो गया।
अब इसके बाद ये क्या दिख रहा है आपको, टन। तो ये स्ट्रक्चर कौन सा दिख रहा है आपको, टन दिख रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरह का हमारा ओरल कैविटी होता है या माउथ कैविटी हमारा इस तरह का होता है। तो ओरल कैविटी क्या है, बिटवीन द, तो इनर साइड ऑफ द टिथ, टिथ के अंदर की साइड में जो कैविटी है वो कैविटी हमारा कौन सा हो गया, ओरल कैविटी हो गया या बकल कैविटी। तो ओरल कैविटी बकल कैविटी में कौन कौन से, ऊपर की साइड में क्या दिखा आपको, हार्ड पेरिट, सॉरी हां आगे की साइड में हार्ड पेरिट, पीछे की साइड में क्या दिखा आपको, सॉफ्ट पैलेट दिखा। अब उसके बाद आपने क्या देखा, एक पेंडुलम जैसा स्ट्रक्चर दिखा अंदर की साइड में, जिसको हमने क्या बोला, अवला बोला। नीचे हमने टंग देखा, ठीक है। तो माउथ कैविटी कैसा होता है, ओरल कैविटी कैसा होता है, तो क्लियर हो गया ना। अब इसके डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही इनफ है, थैंक यू। आपको समझ में आया होगा, मैं आपको ओरल कैविटी का डायग्राम सेंड कर रहा हूं, इस डायग्राम को ड्रॉ करके देखिए ताकि कंसेप्चुअल क्लैरिटी थोड़ी अच्छी हो जाए। थैंक यू स्टूडेंट्स।